सच कहूं अमृता, मुझे खुद नहीं पता कि इस केस में मुझे कैसी मदद चाहिए तुमसे। मुझे बस झूठों के जाल को तोड़कर एक ब्रेक थ्रू ढूंढना है। आपका कहना सही है। अब तक की इन्वेस्टिगेशन को देखकर तो यही लगता है कि कोई आपको क्लू पे क्लू फेंके जा रहा है ताकि आप उसी को इन्वेस्टिगेट करो। कोई आपको घुमा रहा है, आपको उसी रास्ते ले जा रहा है जो रास्ता उसने आपके लिए तय किया था। अब समझ चुका हूं अमृता। फ्रैंकली कहूं तो कोई आपके साथ एक साइकोलॉजिकल गेम खेल रहा है आपको सही रास्ते से भटकाने, और वो इस गेम में काफी आगे हैं इंस्पेक्टर। नो डाउट इस वक्त तो आगे है, पर हम ऐसा क्या करें जिससे इस साजिश की तह तक पहुंच सके अमृता। हमें किसी भी सूरत में सच तक पहुंचना है। साजिश की बू केस के शुरुआत में ही आ गई थी जब लाश पोस्टमार्टम टेबल पर पहुंची। पोस्टमार्टम डॉक्टर अश्विन गुप्ता मुझसे आंखें मिलाकर बात नहीं कर रहे थे। उनके हाव भाव से पता चल रहा था कि वो किसी दबाव में है। कोई कार थी या बड़ी गाड़ी भी हो सकती है जिसने विक्टिम की बाइक को पीछे से उड़ा दिया। बाइक स्किड कर गई और गिरने से ये चोटें लग गई। ये सर पे काफी चोट आई है। डॉक्टर आर यू श्योर कोई गड़बड़ नहीं है, कोई फाउल प्ले नहीं है? नहीं नहीं, कोई फॉल प्ले नहीं है। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? डॉक्टर ये गले पर मार्क्स? नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब है कोई गड़बड़ नहीं है, एक हिट एंड रन का ही केस है। काफी मात्रा में अल्कोहल के ट्रेसेस पाए गए हैं खून में। विक्टिम ने काफी शराब पी ली होगी और बाइक चला दी होगी। डॉक्टर आप एक डिटेल्ड एग्जामिनेशन नहीं करना चाहेंगे? शायद सेकंड पोस्टमार्टम की जरूरत हो। मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत है। मुझे लगता है जरूरत है डॉक्टर। ये जो गले पर मार्क्स है ये शायद मौत की असली वजह है, और एक्सीडेंट आंखों में धूल झोंकने की एक कोशिश हो। पीड़ित का नाम विकास चौधरी है। जगनपुर और पेथोड़ा नगर के बीच केले के खेतों में हमें इसकी लाश मिली। खेत के मालिक महेंद्र नागर ने लाश को स्पॉट किया और हमें खबर दी। इनकी मौत हो चुकी है। ऐसे मत बोलिए, मेरे विकास जी ऐसे मर नहीं सकते। विकास, विकास उठो। सर, सुबह सुबह मैं अपने खेतों का मुआयना कर रहा था, इनको देखा तो पहले तो मुझे लगा कि कोई पीप आकर पड़ा है, लेकिन मैंने पास जाकर देखा तो पता चला ये तो विकास चौधरी है। मैंने तुरंत इन्हें कृष्णा को फोन लगाया, और सर मैं तुरंत भाग कर गया विकास जी के घर और सरिता जी को खबर कर दी। सर ये विकास चौधरी जगनपुर का काफी बड़ा आदमी था, सीमेंट का कारोबार था, काफी अच्छा चलता। मुझे लगता है ये एक मर्डर केस है दुबे। हाँ सर, विकास के गले पे गला घोटने के निशान है, साफ दिखाई दे रहे, पर पोस्टमार्टम डॉक्टर अश्विन गुप्ता को दिखाई नहीं दे रहे। मुझे लगता है डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं कि एक एक्सीडेंट का केस है। विक्टिम विकास की पत्नी सरिता क्या कह रही है? काफी हिली हुई है सर, नंदिनी बात कर रही है उससे। वो जिंदा है ना? नहीं सरिता जी, आपके पति नहीं रहे। सरिता जी कल रात क्या हुआ था, विकास जी कहां गए थे? वो टीवी देख रहे थे और मैं खाना लगा रही थी। इसमें जो कुछ भी मिलेगा ना, कुछ भी लेकर आ जाना। ये आप मेरे डब्बे से कुछ खा लो ना, अगर आपको बुरा ना लगे तो। थैंक यू। प्लीज अर्जुन को कुछ मत बताना, अर्जुन को बताना मत कि मैं यहाँ पर बैठ कर खाना खा रही हूँ। प्लीज बहुत कुछ हो जाएगा। तुम ये पैसे रखो, बाद में आके तुम्हें और भी पैसे दूंगी। प्लीज अर्जुन को कुछ मत बताना, प्लीज। मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में, तुम लोग खाना खा लेना। अब पीने मत बैठ जाना। सरिता तुमसे कितनी बार बोला है बाहर निकलते समय टोका मत करो, मूड खराब हो जाता है। फिर माँ जी और मैंने खाना खाया। मैंने 10:30 तक उनका इंतजार किया,
और फिर उन्हें फोन लगाया। ग्यारह बजे फिर से फोन लगाया, फिर फोन नहीं उठाया और 11:30 उनका फोन बंद हो गया, स्विच ऑफ। जी, फिर मैंने ज्ञानी भैया और उनके बेटे कुंदन को भी फोन लगाया। घंटी जाती रही पर किसी ने मेरा फोन नहीं उठाया। मुझे लगा ज्यादा पी ली होगी, शायद इसलिए उनके घर रुक गए होंगे। इसलिए जब आज सुबह दरवाजे की घंटी बजी तो मुझे लगा विकास ही होंगे। सरिता जी, क्या हुआ कृष्णा? वो महेंद्र जी का फोन आया था, कह रहे थे उनके खेत में विकास जी पड़े हुए हैं। वो ठीक तो है ना? पता नहीं सरिता जी, महेंद्र जी हमको कहे कि उनकी लाश पड़ी हुई है, लगता है उनका एक्सीडेंट हुआ है। ये ज्ञानी कौन है? ज्ञानी चौधरी, विकास के चचेरे बड़े भाई लगते हैं। यही जगनपुर में रहते हैं? जी। कहाँ बैठकर पी रहे थे ज्ञानी जी? और पीने के बाद आप और आपका बेटा कुंदन तो वापस घर लौटे, लेकिन विकास चौधरी घर नहीं लौटा। सरिता ने भांग भांग चढ़ा रखी है क्या? कल रात पापा और मैं पूरा टाइम घर पे ही थे। वैसे इसके अलावा हमें किसी और जवाब की उम्मीद थी भी नहीं। आपकी उम्मीदों से हमारा कोई लेना देना नहीं है मैडम, हम कल रात विकास के घर पर गए ही नहीं थे, तो जो जवाब हमने दिया है ना वही सच है। लेकिन हमें पूरा भरोसा था सरिता चाची कुछ ऐसा ही बताएंगी। और खुद ही पोस्टमार्टम डॉक्टर को फोन करके कही कि केस को हिट एंड रन का एक्सीडेंट केस बताओ। मैं समझा नहीं आपका इशारा क्या है। मेरा नाम नहीं आना चाहिए सर, प्लीज, मैं आपको सब सच बताने के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर प्रीतम, अगर आप किसी तरह से इन्वॉल्व नहीं हैं तो आपका नाम नहीं आएगा, मुझे बस पूरा सच चाहिए। इंस्पेक्टर राजपूत, मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर गुप्ता पे जरूर कोई दबाव है। किसी दबाव में आकर मर्डर को एक्सीडेंट करार दे रहे हैं। सर मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। कौन दबाव डाल रहे हैं वो नहीं पता मुझे सर। आने के लिए धमकी वाला फोन दरअसल हम ही ने किया था। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? एक मर्डर को एक्सीडेंट कैसे कह सकते हैं? जरूर ऐसा कहने के लिए किसी ने आपको मजबूर किया है, धमकाया है। अगर उन लोगों ने मुझे धमकाया है तो भी आपकी ये हरकत जायज है? उन लोगों ने? मतलब किन लोगों ने डॉक्टर? क्यों, आपके पास उनका फोन नहीं आया? मुझे केस दबाने के लिए कोई कॉल नहीं आया। आपको किसने कॉल किया था डॉक्टर? मैं सालों से आपको जानता हूं डॉक्टर, आप ऐसे आदमी नहीं है जो किसी दबाव में आकर अपने प्रोफेशन के साथ कानून के साथ खिलवाड़ करेंगे। वो लोग मुझे मार डालेंगे और हम तमाशा देखते रहेंगे। वो कौन लोग डॉक्टर? बहुत पावरफुल लोग हैं, मामूली नहीं है। आप और मैं, हम लोग भी मामूली नहीं है डॉक्टर, काफी पावरफुल है। बॉडी मेरे टेबल पर आने से पहले ही मुझे पता चल गया था कि विकास चौधरी के साथ क्या हुआ है। मुझे एक फोन आया था। डॉक्टर गुप्ता, अचानक से पसीना छूटेगा, चल नहीं पाओगे, वहीं ढेर हो जाओगे। क्या बकवास कर रहे हो? चुपचाप सुनो, तुम्हें दिल का दौरा पड़ेगा, कोई गड़बड़ नहीं, नेचुरल मौत। कौन कौन बोल रहे? एक बॉडी एम्बुलेंस में तुम्हारे पास आने के लिए निकली है, 10-15 मिनट में तुम्हारे सामने होगी। अपनी रिपोर्ट में एक्सीडेंट लिख देना, बंदे का नाम विकास चौधरी होगा। और तुम्हें क्यों लगता है मैं ऐसा करूंगा? ऐसा नहीं करोगे तो उस एम्बुलेंस में कल तुम होगे। बोल कौन रहे तुम? मैसेंजर हूँ, संदेशा समझो डॉक्टर साहब, नहीं तो कल यही संदेशा उस डॉक्टर को दे रहा होगा जो तुम्हारा पोस्टमार्टम कर रहा होगा। इस मैसेंजर ने नाम नहीं बताया संदेशा भेजने वाले का? नहीं, ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। विकास चौधरी के बहुत बड़े बड़े कॉन्टेक्ट थे। कॉल लैंडलाइन पर आया था? हाँ, लेकिन वो चिल्ला विल्ला नहीं रहा था, बड़े प्यार से मुझे धमका रहा था।
इंस्पेक्टर, मुझे लगता है इसके पीछे कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल एंगल है। ये लोग बहुत बहुत पावरफुल हैं। जो लोग विकास चौधरी को मार सकते हैं उनके सामने आप और मैं तो चीज ही क्या है। पूरी प्रोडक्शन मिलेगी आपको। लेकिन उस धमकी के बाद उन लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया। मतलब आपने डॉक्टर गुप्ता को प्रोटेक्शन तो दिया, पर उसके पहले या बाद में उन लोगों ने कुछ किया नहीं। वैसे बात बस उस एक कॉल तक ही सीमित रही। राइट, क्योंकि उसी कॉलर से एक और ऐसा ही कॉल आने वाला था। यही है वो गेम जो विकास चौधरी की लाश मिलने के साथ ही शुरू हो गया। मुझे लगता है कि आपको हर कदम पर गुमराह करने का प्लान बना गया था पहले से। मेरा चचेरा भाई विकास बड़ा आदमी था, पर मैं भी कोई एमए नहीं हूं इंस्पेक्टर। सरिता चाची हम पे दुश्मनी निकाल रही है और आप उनके बिछाए हुए जाल में फंस रहे हो। मुझे मेरे वकील से बात करनी है और मुझे अजय कन्नौजिया और सागर भट्ट से बात करनी है। हमें कैसे पता होगा वो दोनों कहां हैं? आप हमसे विकास चाचू के कत्ल के बारे में जानना चाहते हो या फिर अजय कन्नौजिया और सागर भट्ट के गायब होने के बारे में? विकास चौधरी की लाश हॉस्पिटल पहुंचने के पहले जो डॉक्टर गुप्ता को धमकी वाला कॉल आया था, उसके अलावा उस सुबह एक और बात हुई थी। जमानत पर बाहर दो हिस्ट्री शीटर्स जगनपुर से गायब हुए थे। एक था अजय कन्नौजिया और दूसरा था सागर भट्ट। इसके पहले कि हमें शक भी होता कि ये एक एक्सीडेंट नहीं मर्डर केस है, ये दोनों हिस्ट्री शीटर्स हवा हो गए थे। मालिक, ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। अगर ये कांड अजय कन्नौजिया और सागर भट्ट ने किया है तो ये विकास की लाश मिलने तक इंतजार क्यों करते? इन दोनों को तो कांड करने के बाद रात को ही गायब हो जाना चाहिए था। कुछ तो बहुत बड़ा झोल है। ये दोनों हिस्ट्री शीटर अजय और सागर ज्ञानी चौधरी के जान पहचान के, अच्छी खासी जान पहचान। और ज्ञानी चौधरी और उसका बेटा कुंदन सपोर्ट कर रहे थे सरपंच मनीषा प्रजापति को, जो कि विकास चौधरी की पत्नी सरिता चौधरी के अपोजिट में खड़ी थी चुनाव में। सरिता जी संभालिए अपने आप को, हम जमीन आसमान एक कर देंगे आपके पति के हत्यारे को ढूंढने के लिए। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि पुलिस उस शख्स को बेनकाब कर दे जिसने इस कत्ल को एक्सीडेंट का जामा पहनाने की कोशिश की है। उस रात जब आप खाना लगा रही थी, विकास जी टीवी देख रहे थे, तो आपने ज्ञानी चौधरी की आवाज सुनी। आप बार बार वही सवाल क्यों पूछ रहे हैं? आवाजें एक जैसी हो सकती हैं, आवाजें पहचानना इतना आसान नहीं होता, गलती हो सकती है। मैंने कोई गलती नहीं की है, आवाज सुनकर ही मैं खिड़की पर गई थी। मैंने खुद देखा था कि ज्ञानी भी और कुंदन वहां बाइक पर थे। वो दोनों तो साफ मना कर रहे हैं कि वो आपके घर आए ही नहीं थे। वो आप लोगों को सच क्यों बताएंगे? क्या उन्होंने आपको बताया कि विकास जी और ज्ञानी जी की जमीन को लेकर कितनी बड़ी अनबन थी? जी बताया। मेरे पापा और विकास के पापा, इन दोनों ने मिलकर एक जमीन खरीदी थी। अब मेरे पापा विकास के पापा जितने कामयाब नहीं थे बिजनेस में। वैसे मैं विकास चाचू क्या करते हैं, जमीन का मेजर हिस्सा खुद हड़प लेते हैं और हमारे हक की जमीन हमें नहीं देते। कोई वसीयत वगैरह नहीं बनी थी? नहीं, क्योंकि मेरे पापा और उसके पापा के बीच कोई अनबन नहीं थी। लेकिन विकास तो लालच में अंधा हो गया था, उसके बड़े बड़े लोगों के साथ कनेक्शन थे, तो उसने सोचा वो कुछ भी कर सकता है। सर, हमें जो पैसे मिले हमने उन पैसों से पिथौर नगर में एक जमीन खरीदी। अब उसी जमीन के बगल में एक और छोटा प्लॉट था, हम वो भी खरीदना चाहते थे। उसका मालिक था बशीर खान, हमारी बशीर खान से बात भी चालू थी उस जमीन को खरीदने के लिए। अब ऐसे में विकास क्या करता है, बशीर खान को थोड़े ज्यादा पैसे देकर वो जमीन हासिल कर लेता है। क्यों? ताकि वो जमीन हमें ना मिले। छोटा भाई इतना छोटा निकला, अब आप ही बोलो, ऐसे में कि मैं और कुंदन उसके घर जाएंगे, उसे आवाज लगाएंगे कि आओ भाई पीने बैठते हैं, जैसे हमारे बीच सब कुछ सही है, और वो बिना कुछ पूछे अपना खाना वाना सब छोड़कर बस चप्पल पहनकर हमारे साथ आ जाता है बाइक पर। उस रात सरिता चौधरी ने आप दोनों के फोन पर फोन किया था ये जानने के लिए कि उसका पति विकास कहाँ है। हाँ किया था, लेकिन तब तक हम सो गए थे।
सुबह उठकर जब मिस कॉल्स देखे तब तक हमें पता चल गया था कि विकास के साथ क्या हुआ, और हम जानते थे कि इस मामले में सरिता हमें ही फंसाएगी। मनीषा प्रजापति, मौजूदा सरपंच, जो विकास की पत्नी सरिता के खिलाफ चुनाव जीती थी आपके सपोर्ट से, तो हम क्या करते? सरिता को सपोर्ट करते? जो हाथ हमारे पैर काटने पर तुले हों उन्हीं से हाथ मिला लेते? मनीषा प्रजापति, सरिता चौधरी, मनीषा प्रजापति, सरिता चौधरी, मनीषा प्रजापति। ज्ञानी चौधरी का विपक्ष के उम्मीदवार को समर्थन करना जाहिर सी बात थी, मनीषा प्रजापति, पर इस चुनाव का जो नतीजा था मनीषा प्रजापति वो अपेक्षित नतीजे से बिल्कुल हटकर था। सरिता चौधरी, मनीषा प्रजापति, मनीषा प्रजापति, सरिता चौधरी, मनीषा प्रजापति, सरिता चौधरी, मनीषा प्रजापति, मनीषा प्रजापति, सरिता चौधरी, सरिता चौधरी, सरिता चौधरी, मनीषा प्रजापति, मनीषा प्रजापति, मनीषा प्रजापति। मैं सिर्फ एक साधारण सी गृहिणी हूँ। मैंने चुनाव इसलिए लड़ा क्योंकि मेरे पति चाहते थे कि मैं लड़ूं, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस चुनाव के कारण मुझे मेरे पति को खोना पड़ेगा। अभी हम ये तो नहीं कह सकते कि आपके पति विकास जी का कत्ल चुनाव की वजह से हुआ, पर हाँ कोई है जो इस मर्डर को एक्सीडेंट का रूप देना चाह रहा है। मेरे पति हमेशा कहते थे कि ज्ञानी भैया उनके साथ कुछ बहुत बुरा करेंगे, बदला लेंगे उनसे, और ऐसे लेंगे। ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझे तो लगा था कि चुनाव में हमें हराने के बाद उनका बदला पूरा हो गया है। निर्दलीय उम्मीदवार मनीषा प्रजापति को इस चुनाव में विजयी घोषित किया जाता है। दीपिका, कैसे हुआ ये? और 13 वोट, सिर्फ 13 वोट से हारी है सरिता, मजाक चल रहा है क्या? मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब हुआ कैसे। हमने दोबारा से काउंटिंग करवाई, नतीजा वही निकला है। अरे लेकिन ये हुआ कैसे? अभी तक तो हम ही जीते आ रहे थे ना। हाँ लेकिन इस बार धोखा आपके घर के अंदर से हुआ है। आपके ज्ञानी भैया ने कोई चाल चली है, पैसे फेंके, खरीदा है वोटर्स को। पाठक जी ये ठीक नहीं हुआ है, बहुत गलत हुआ है। अपनों ने ही पीप में खंजर भोंका है विकास, क्रॉस वोटिंग हुई। सरिता जी को कम से कम 2000 वोट तो मिलने ही मिलने थे। पाठक जी नल खोल के डोनेशन दिया है मैंने पार्टी को, ये सीट मेरी और सिर्फ मेरी थी, और सारी अड़चनों से भी तो निपट लिया था ना हमने, फिर क्या हुआ? निपट तो लिया था, खैर अब इस धक्के से भी निपट लेंगे। तुम नहीं जानते विकास मेरे दिल में कैसी आग उबल रही। पार्टी के किसी सदस्य ने ये गद्दारी की, उसे सजा तो देनी ही पड़ेगी। सीट हम वापस लेंगे, कोई भी कीमत हो विकास। आइए खाना लग गया है, तुम ही खा लो, मेरे हलक से रोटी नहीं उतरेगी। हार हजम नहीं हुई अभी तक, ना होगी। अब इसको इतना दिल पर लगा कर क्यों बैठे हैं? क्योंकि नाक कटी है हमारी, इज्जत उछली है, और किसने उछाली है? खुद मेरे खून ने। ज्ञानी भैया ऐसा गंदा गेम खेले हैं हमारे साथ, तुम देखती जाना कैसे वो मनीषा प्रजापति को कठपुतली की तरह नचाते हैं। असली निशाना तो मैं हूं, नाचते देखना चाहते हैं, तिल मिलाते देखना चाहते हैं, देखना कैसा गंदा वार करेंगे मुझ पर। और ज्ञानी जी ने वार कर दिया, पर क्यों? वो तो चुनाव जीत गए थे ना, तो खुश रहते। मेरे पति को जान से मारने की क्या जरूरत थी? इसीलिए सब लोग कहते रहे कि एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट। पर आप जानते हैं कि एक्सीडेंट नहीं था। हम जानते हैं मर्डर हुआ है विकास जी, लेकिन सरिता जी कोई ठोस कारण तो होना चाहिए जो इतनी दुश्मनी और इतनी रंजिश के बावजूद आपके पति विकास जी ज्ञानी और कुंदन के साथ गए।
उनके साथ बैठकर शराब भी पी और फिर उन दोनों ने आपके पति विकास जी को मार डाला। मैं हमेशा चाहती थी कि विकास जी ज्ञानी जी की दुश्मनी पर मिट्टी डाले। मुझे उनका ये पॉलिटिशियन लोगों से मेल जोलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मैं ये चुनाव कभी लड़ना ही नहीं चाहती थी। इलाके के सारे शराब के ठेके, देसी अंग्रेजी सब जगह अपने बंद रहे, लेकिन कहीं से भी ये खबर नहीं है कि ज्ञानी, विकास और कुंदन शराब पीने बैठे थे, और ना ही ये खबर है कि तीनों ने शराब खरीदी है। शराब तो पहले भी खरीदी जा सकती है ना, साथ में लेके गए होंगे बाइक पे। विकास, विकास सर, 7 जुलाई की रात को ज्ञानी और कुंदन चौधरी दोनों के सेलफोन लोकेशन जगनपुर थी, और विकास का फोन भी जगनपुर में स्विच ऑफ हुआ था। सर पहले से बारीकी से प्लानिंग कर रखी होगी दोनों बाप बेटे ने। क्राइम सीन पर हमसे कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है? होटल ग्लासेस वगैरह? नहीं सर, हमने 2 बारी बारीकी से स्कैन किया, चाहे तो 1 बारी और कर सकते हैं। जमानत की अर्जी डाल दी, उन्हें कल तक आपको कोर्ट में पेश करना ही पड़ेगा। क्या उन्हें कुछ मिला है हमारे खिलाफ? जहां तक मुझे पता है नहीं। उन्हें कुछ मिलना भी नहीं चाहिए, आप एक सेकंड के लिए भी ये नहीं भूलेंगे ऋषिकांत जी। ये सारा गेम हमें फंसाने के लिए खेला जा रहा है। मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा कुंदन, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने जो कुछ भी किया है वो नहीं करना चाहिए था। खैर, अब हम उम्मीद करते हैं कि उन्हें भी इस बात का कभी भी पता ना चले। सवाल ही पैदा नहीं होता, सबूत का एक कतरा भी नहीं मिलेगा। देखिए, कोना स्कैन हुआ था सर, पर कहीं पे भी कोई बोतल या ग्लास नहीं मिले। और 2 हिस्ट्री शीटर अजय कन्नौजिया और सागर भट्ट उसी सुबह गायब। शायद ज्ञानी ने ही उनको बोला होगा। सारे सबूत समेट के गायब हो जाओ। जैसे नंदनी ने बात उठाई, इन दोनों ने सुबह तक इंतजार क्यों किया भागने के लिए? ये बात तो मुझे भी खटकी है सर। ऊपर से सर पर जो घाव किया गया एक्सीडेंट का लुक देने के लिए, ऐसा घाव गले पर नहीं किया गया जिससे कि गला घोटने का निशान छुपाया जा सके। या तो वो गले का निशान गलती से छूट गया होगा छुपाने में, या फिर जानबूझकर ऐसा किया गया होगा। सर मुझे लगता है गलती से छूट गया होगा गले का निशान, और इसलिए डॉक्टर गुप्ता को धमकी वाला कॉल आया। हाँ नंदनी। सर डॉक्टर गुप्ता के लैंडलाइन रिकॉर्ड से उस धमकी वाले का नंबर निकला, बट सर वो नंबर अभी स्विच ऑफ है। लेकिन एक और डेवलपमेंट है सर। क्या? सर उस धमकी वाले कॉलर ने मेरे लैंडलाइन पर भी कॉल किया था। क्या? और क्या कहा उसने? सर वो हमसे एक कदम आगे है, उसे पता है कि आप अभी क्राइम सीन पर है। तुम्हारे इंस्पेक्टर राजपूत को बोलिए क्राइम सीन पर कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां कुछ हुआ ही नहीं। तुम वही हो ना जिसने डॉक्टर गुप्ता को धमकी दी थी? क्या फायदा मैडम, ना उसने मेरी सुनी ना आप लोगों ने। एक्सीडेंट का केस समझ कर खत्म कर देते। खैर आप सुनो, बहुत जरूरी खबर देने जा रहा हूं। क्या खबर थी? सर एक औरत का नाम और एक होटल का नाम। ज्ञानी चौधरी और उसके बेटे कुंदन चौधरी का विकास चौधरी के मर्डर से कोई लेना देना नहीं है, छोड़ दो उनको। ना छोड़ूं तो? नुकसान होगा आपका। धमकी दे रहे हो, क्या कर लोगे? इतना जल्दी कुछ नहीं करने वाला मैं। ये जरूर कहूंगा कि जिसने मर्डर किया है वो आपसे कोसों दूर है। किसने किया है मर्डर? विकास चौधरी के फोन रिकॉर्ड से कुछ नहीं मिला आपको? क्या मिलना चाहिए था? मतलब नहीं मिला, चलिए मैं नाम बताता हूँ, पायल वाजपेयी। कौन है पायल वाजपेयी? वही जो विकास चौधरी के फोन रिकॉर्ड से आपको नहीं मिले। मर्डर इस पायल वाजपेयी की वजह से हुआ है। होटल K9 में जाइए, बहुत कुछ मिलेगा। विकास चौधरी का मर्डर किसने करवाया? ज्ञानी और कुंदन ने नहीं। फिर किसने? खुद विकास चौधरी की बीबी सरिता चौधरी ने। अब कातिल का मैसेंजर हमारी मदद कर रहा है, लेकिन क्यों? कल ज्ञानी और उसके बेटे कुंदन की कोर्ट में पेशी है, उन्होंने बेल की एप्लीकेशन डाली है, शायद इसलिए कि हम अपोज ना करें। अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता अपोज ना करने। सर ये पायल वाजपेयी का पता लगाना तो बनता है, झूठी लीडी सही, देखते हैं जाती कहां तक है। पायल वाजपेयी ये कौन है? खबर मिली है कि आपके पति के किसी पायल वाजपेयी नाम की लड़की के साथ ताल्लुकात थे। कैसे ताल्लुकात? वो भी पता करना बाकी है। अफेयर था? हमने कहा वो भी पता करना बाकी है। मैंने सवाल आपसे इसलिए किया कि शायद आपको इस बारे में कुछ पता हो और आपने हमें ना बताया। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि विकास जी मेरे पति थे और उनका खून हुआ है, पर आप मुझे बताइए ये औरत पायल या जो भी है, क्या इसकी वजह से ज्ञानी भैया ने इन्हें मरवाया? मुझे तो लगता था कि झगड़ा सिर्फ जमीन को लेकर था। पायल वाजपेयी हमारी तरफ फेंकी गई एक गुगली थी,
पर यह गुगली क्यों फेंकी गई थी ये हमें उस वक्त पता नहीं था, पर बहुत जल्द ये मालूम हुआ कि ये नया एंगल हमारे हाथों में कुछ ऐसा ले आएगा जो इस केस को सर के बल उलट देने वाला था। जी मैडम, मैं मैनेजर हूं इस होटल का, प्रकाश कुमार। अब ये तो बोलना मत कि तुम इसे जानते नहीं। जी मैडम, ये तो विकास जी हैं, विकास चौधरी। सुना इनके बारे में? विकास चौधरी यहाँ आते थे जी, पायल वाजपेयी के साथ। अब मैडम, हम अपने कस्टमर्स की प्राइवेट बातें किसी को नहीं बता सकते। देखो, ये पायल वाजपेयी विकास चौधरी के मर्डर में शामिल हो सकती है, तो ये प्राइवेट श्राइवेट बातें तो अलग ही रखो और सवाल का जवाब दो। ये लीजिए, ये नवीन सोलंकी और पूजा बैनर्जी, इन दो फर्जी नामों से रूम बुक होते थे। जी मैडम, विकास जी सब कुछ सीक्रेट रखना चाहते थे। तब के सीसीटीवी फुटेज तो होंगे ही। सारे फुटेज इरेज कर दिए जाते, विकास जी के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थे, वो नहीं चाहते थे किसी और को इस बारे में पता चले। लेकिन प्रकाश, हमें इस पायल वाजपेयी के बारे में पता लगाना है। मैडम, मैं इस औरत के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन हाँ एक बात जानता हूँ, एक आदमी था और मुझे पूरा डाउट था जो विकास जी और उस औरत जो उनके साथ आती थी उनका पीछा कर रहा था। कौन था ये आदमी? विकास चौधरी की जिंदगी में एक दूसरी औरत थी, पायल वाजपेयी, और इन दोनों का कोई पीछा कर रहा था। जाहिर सी बात है, ये पीछा एक खास मकसद से किया जा रहा था। एक दो बार इस पीछा करने वाले ने हमारे होटल में चेक इन भी किया, मैंने मार्क करके रखा है, ये देखिए उसकी डिटेल भी हमारे पास, ये उसके आईडी प्रूफ की फोटोकॉपी है हमारे पास। प्रकाश, आपको कैसे पता चला कि ये सूरज डालमिया पायल और विकास जी का पीछा कर रहा था? मुझे नहीं मालूम इस औरत का नाम पायल है या नहीं, रही बात सूरज डालमिया की, ये तभी आता जब विकास जी और वो औरत होटल में चेक इन होते। सूरज चेक इन करता पर होटल से बाहर नहीं जाता। विकास जी और उनकी लेडी गेस्ट जब भी आने वाले होते उसके एक दिन पहले ही ये आदमी धमक जाता, मानो उसे मालूम होता उनके प्लान के बारे में। मुझे लगा कि ये सूरज डालमिया विकास जी और लेडी गेस्ट की चुपके से फोटोग्राफ्स लेता था। 23 जून 2016 को सूरज डालमिया ने आखिरी बार चेकिंग किया। जी मैडम, एक साल हो गया, मैंने विकास जी को आगाह भी किया था कि उनका पीछा हो रहा है। अगली बार जब भी ये आदमी दिखे ना, मुझे तुरंत फोन करना प्रकाश, ठीक है? जी विकास जी, मैं इसे रेड हैंड पकड़ना चाहता हूँ। बढ़िया। और ये आदमी सूरज डालमिया, उसके बाद कभी चेक इन हुआ ही नहीं। क्या आपने भेजा था इस आदमी को अपने पति विकास जी और उस औरत पायल वाजपेयी के पीछे? कुछ जानती तो भेजती ना इंस्पेक्टर, मुझे तो पता ही नहीं था कि उनका अफेयर चल रहा है। तो फिर किसने भेजा होगा? ज्ञानी चौधरी या कुंदन चौधरी तो हो नहीं सकते, क्योंकि उन दोनों का इस औरत से क्या लेना देना होता, उनका मसला तो जमीन को लेकर था ना। ये मेरे पति का जो अफेयर चल रहा था वो लंबे अरसे से था क्या? और कौन है ये लड़की? ये हम पता लगा रहे हैं। देखिए सरिता जी, जिस आदमी ने पोस्टमार्टम डॉक्टर को फोन करके ये धमकाया था कि इस मर्डर केस को एक्सीडेंट केस बता दो, शायद उसी आदमी ने इस औरत पायल वाजपेयी के बारे में हमें बताया। और बात झूठ नहीं है, क्योंकि हमने चेक किया होटल। हम जानना चाहते हैं सरिता जी कि आखिरकार माजरा क्या है। मैं भी यही जानना चाहती हूँ, आखिर है कौन ये लड़की? पायल वाजपेयी नाम की औरत है, शादीशुदा है, पति दुबई में है। और पीछे से इसका विकास चौधरी के साथ अफेयर? मालिक, औरत तक तो पहुंच गए, लेकिन इसका इस विकास के साथ अफेयर था या नहीं ये जानने के लिए और अंदर घुसना होगा। इस पायल वाजपेयी की हिस्ट्री तुम ढूंढ निकालेंगे, तो बस इस सूरज डालमिया पर लग जाए। बहुत कुछ ये पायल बताएगी और जो इसे नहीं मालूम वो ये सूरज बताएगा। क्या आपने मरवाया अपने पति को? मैं एक बहुत गरीब घर से आती हूँ, मेरे माँ बाप 3 साल पहले गुजर गए थे, विकास के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था, अब वो भी नहीं रहे। आप ही बताइए उन्हें मरवा के मुझे क्या हासिल होता। और एक बात, मुझे इस अफेयर के बारे में कुछ नहीं पता था, और अगर पता भी होता तो उन्हें मरवाना तो दो,
मैं उनसे पूछने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाती। अगर वो कहते कि अफेयर है तो बस तकदीर समझ के कबूल कर लेती, पर मुझे लगता है कि ये अफेयर और ये सारी बात मनगढ़ंत है, कोई कहानियां बना रहा है। अब आप ज्ञानी चौधरी का नाम लेंगे, पर जरा सोचिए सरिता जी, जमीन के मसले के लिए ज्ञानी चौधरी ये मनगढ़ंत कहानी क्यों बनाएगा? मुझे नहीं पता, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने पति को जानती ही नहीं थी। पायल वाजपेयी अब वो कड़ी बन गई थी इस केस की, जो मर्डर के एक नए मकसद पर रोशनी डालने वाली थी। हम एक और पेचीदा साजिश के जाल में कदम रखने जा रहे थे। पायल वाजपेयी जी, विकास चौधरी की शोक सभा में नहीं आई आप, बनाई होटल K9 की पूजा बैनर्जी आई, कहीं और चलकर बात कर सकते हैं। मुझे अखबार पढ़कर पता चला, बहुत धक्का लगा मुझे। कैसे जाती मैं शोक सभा में? दुबई में अगर मेरे पति को कुछ पता चला तो वो मुझे जान से मार देंगे सर। विकास चौधरी ऑलरेडी मारा गया है पहल, पर उसका हमारे रिश्ते से क्या लेना देना सर? तो फिर किससे लेना देना था? कोई भी नहीं जानता था हमारे रिश्ते के बारे में। इसके अलावा कोई नहीं जानता था। कौन है ये? मुझे नहीं पता कि ये कौन है, लेकिन विकास ने भी मुझसे जरूर पूछा था। ये मेरे हस्बैंड ने। हाँ, कहीं उसे हमारे बारे में कुछ पता तो नहीं चल गया ना, और उसी ने किसी को भेजा होगा हमारा पीछा करने। ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे हस्बैंड को हमारे बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। तो आखिर ये आदमी है कौन? मुझे नहीं पता विकास, और अगर ये आदमी हमारी फोटो ले रहा है ना, तो मेरे लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तुम्हारे लिए बड़ा खतरा हो सकता है? तुम्हें जरा भी अंदाजा है मेरे लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है? सिर्फ शादी नहीं, बिजनेस, पॉलिटिक्स, हर जगह बदनामी होगी। मैं पता लगा के ही रहूंगा कि आखिर ये आदमी है कौन, अब तुम्हारी जासूसी कर रहा है या मेरी। मुझे कभी पता ही नहीं चल पाया कि ये सूरज दालमिया था कौन और ये क्यों हमारा पीछा कर रहा था। अफेयर कब शुरू हुआ था आपका? 2 साल पहले मैं घर का रेनोवेशन करवा रही थी, मेरे हस्बैंड ने दुबई से मुझे पैसे भेजे थे, फिर इसी सिलसिले में मैं विकास के डिपोर्ट गई थी, कुछ डिजाइन वगैरह पर बात हुई और तभी से ये सब शुरू हुआ। ये जानते हुए भी कि विकास चौधरी भी शादीशुदा है, तो फिक्र नहीं होती थी कि विकास चौधरी की पत्नी सरिता चौधरी को पता चलेगा तो क्या हो सकता है? विकास को ही कोई फिक्र नहीं थी, कहता था कि उसकी वाइफ को कभी कुछ मालूम ही नहीं चलेगा। तो विकास चौधरी ने सूरज डालमिया के बारे में क्या किया? विकास ने इसके बारे में जानने की बहुत कोशिश की, पर उसे कभी कुछ पता नहीं चल पाया, और फिर उस दिन के बाद से ये सूरज दालमिया भी कभी होटल में नहीं दिखा, और ना ही विकास के मुंह से कभी उसका नाम सुना। हमने पायल की कड़ी पूछताछ की ये पता लगाने कि विकास के मर्डर में कहीं उसी का हाथ तो नहीं था, पर यही उभर कर आया कि पायल दरअसल अकेलेपन का शिकार थी और उसके अफेयर का यही मुख्य कारण था। और जैसे किसी खेल में अगला पड़ाव होता है, साजिश का अगला पड़ाव भी आया। हमें फिर एक फोन कॉल आया, क्या यह कोई जेन्युइन टिप थी या साजिश का हिस्सा? हेलो, प्रणाम सर जी। कौन बोल रहा? सूरज बात कर रहा हूँ, सूरज डालमिया। क्या बात है? स्वयं आप? तो आपको पता चली गया कि बड़ी शिद्दत से ढूंढा जा रहा है आपको। अब पता तो चली जाता है सर, वैसे आपको एक राज की बात बता दूं, ना तो मैं बाइक चलाता हूं और ना ही कार। मतलब तुम्हारा लाइसेंस फर्जी है जो होटल K9 में पेश किया गया था? जी सर। फिर तो तुम्हारा नाम भी सूरज दालमिया नहीं होगा। जी बिल्कुल, और एक और राज की बात, मैं बलरामगढ़ भी नहीं रहता हूँ। जानता हूँ तुम किसी और इलाके के हो, इसलिए लाइसेंस भी बलरामगढ़ का बनवाया। जी बिल्कुल सर, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि विकास चौधरी को मैं निजी रूप से नहीं जानता था, और इस मर्डर से दूर दूर तक मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर विकास और पायल का पीछा करना, उन लोगों की तस्वीरें लेना, उसका किस चीज से ताल्लुक है? टाइम पास? सर टाइम पास करने के मेरे पास और भी कई तरीके हैं, मैं बस प्रोफेशनली अपना काम कर रहा था, मुझे पैसा मिला था उनका पीछा करने के लिए, तस्वीरें निकालने के लिए। अब चाहते हैं तो तस्वीरें आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ। और इस काम के पैसे किसने दिए थे? जगनपुर की सरपंच मनीषा प्रजापति। मकसद क्या था इस जासूसी का? मकसद कौन पूछता है सर, पैसा मिला काम किया। आप ये खुद मनीषा मैडम से क्यों नहीं पूछ लेते? अगर ये सब कुछ सरपंच मनीषा प्रजापति का क्या किराया है,
तो मकसद साफ होगा, विकास चौधरी को ब्लैकमेल करना। और सर अगर ब्लैकमेल किया भी होगा तो ये बात सिर्फ और सिर्फ मनीषा और विकास चौधरी के बीच में ही रही होगी। ब्लैकमेल का मकसद क्या होगा? पैसा? मनीषा तो सरपंच है। कहीं सरपंच बनने के लिए मनीषा ने तो नहीं विकास चौधरी को ये फोटोज दिखाकर ब्लैकमेल किया ताकि सरिता चुनाव ना लड़े? पर सबको पता है कि चुनाव हुए थे और विकास ने सरिता को पीछे हटने को नहीं कहा था। सर सुना इलेक्शन में काफी क्रॉस वोटिंग हुई थी, लोक अधिकार दल की उम्मीदवार सरिता चौधरी एक तरह से फ्रंट थी, खुद उसके पति ने उसे इलेक्शन में खड़ा किया था। अगर ये तस्वीरें ली गई हैं तो पूरे चांसेस हैं स्टिंग ऑपरेशन भी हुआ होगा, लेकिन जहां तक मुझे याद है ऐसी कोई तस्वीरें या वीडियो ऑनलाइन या टीवी पर तो नहीं आई। पॉलिटिक्स का दलदल है सर, तस्वीरें ली होंगी धमकाने के लिए, बंदा सामने से मान गया होगा और तस्वीरें छापी नहीं होंगी। अगर तस्वीरें छाप कर किसी को चुनाव हराया जा सकता है तो फिर ऐसा क्या क्यों नहीं गया? दो लोगों से तुरंत बात करते, एक सरपंच मनीषा प्रजापति से और दूसरे जगनपुर टाइम्स के एडिटर नरेश मचोरी से। देखिए वो जो तस्वीरें आप कह रहे हैं वो मेरे टेबल पर तो कभी आई नहीं। हाँ पर इतना मालूम है कि मेरे टेबल पर आती जरूर। आती मतलब? आती मतलब ये कि आ सकती थी, आने की पूरी संभावना थी। इलेक्शन का टाइम था, ऐसे में हर कैंडिडेट अपने विपक्ष के खिलाफ कुछ ना कुछ मसाला छपवाना चाहता ही है और हमें स्टैंड बाय पर रखता है। तो ये फोटोज आपके पास आएंगी ऐसा आप स्टैंड बाय पर थे, पर ये फोटोज आपके पास पहुंची क्यों नहीं? अब ये ऐसे फोटोज लिए गए हैं ये मुझे पता ही नहीं था, तो कैसे जवाब दूं? नरेश जी जरा खुल के बात करेंगे, विकास चौधरी के मर्डर के केस में हमें आपसे मदद चाहिए। हमने आपके डिपार्टमेंट से मदद मांगी थी इसी केस में, आपके डिपार्टमेंट ने तो कुछ नहीं दिया। नरेश जी जब हमारे पास ही कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम आपको क्या देते? हम तो अब भी बस यहाँ से वहाँ भागे जा रहे हैं। हमसे कोऑपरेट करते, हम आपसे कोऑपरेट करते तो बेकार में आपको इस तरह फुटबॉल बनने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई आपका इस्तेमाल नहीं करता ऐसे। कौन कर रहा है हमारा इस्तेमाल? एक बात बताइए, इस सरिता चौधरी हारी तो हार किसकी हुई थी? विकास की और किसकी? पिछले साल ही सरपंच की सीट महिला कैंडिडेट के लिए आरक्षित की गई थी, तब विकास ने अपनी कठपुतली सरिता को बनाया था। बिल्कुल सही पकड़े आप। और अब बताइए विकास चौधरी की हार मतलब किसकी जीत? मनीषा प्रजापति। देखिए यहीं चूक गए आप, ये खेल ऐसे थोड़ी ना खेला जाता है। मनीषा को खड़ा किसने किया था? निर्दलीय उम्मीदवार। किसने? अब ये कोई खुलेआम इश्तेहार देकर थोड़े बोलेगा कि ये मेरी कठपुतली है। पर आप वोटिंग का पैटर्न देखिए, क्रॉस वोटिंग हुई है और ये क्रॉस वोटिंग हुई नहीं है, करवाई गई है अंदर से, पार्टी के अंदर से, समझ रहे हैं? सरिता और विकास की पार्टी। कराने वाले का नाम तो बोलिए, शायद कत्ल भी उसी ने करवाया। अब ये हमें पता होता तो हमने अब तक छाप दिया होता ना सर जी। पर इतना पकड़ कर चलिए आप, ये जो कुछ भी हुआ है अंदर की बात है। राजू स्पेशल वाली चाय बोलना सब लोगों के लिए। चाय रहने दीजिए, हमें स्पेशल खबर चाहिए। मनीषा जी हमें कुछ ऐसा मिला है जो कहीं ना कहीं आपसे जुड़ा हुआ है, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगी? पहले तो आप एक बात समझ लीजिए कि मैं जगनपुर की सरपंच हूँ। कम से कम अगले 4 सालों तक तो मुझे अपनी कुर्सी छीन जाने का कोई डर नहीं है, तो मुझे क्या ज़रूरत है किसी से उसकी ज़िंदगी छीन लूँ, चाहे वो विकास चौधरी जैसा बड़ा आदमी क्यों ना हो। आप बहुत दूर की सोच रही हैं मनीषा जी, हम अभी की बात कर रहे हैं। विकास चौधरी और उसकी गर्लफ्रेंड पायल वाजपेयी, इन दोनों का पीछा कौन करवा रहा था और क्यों? एक सूरज डालमिया का नाम सामने है जो इन दोनों का पीछा कर रहा था। और इसने कहा कि पीछा मैंने करवाया था? इसने ऐसा ही कहा। और आपने मान लिया? नहीं, हमने सुन लिया। आप हमें बताइए कि हमें ये इसकी बात क्यों नहीं माननी चाहिए? अगर ये मेरा नाम ले रहा है तो कोई बेवकूफ भी बता देगा कि झूठ बोल रहा है मुझे फंसाने के लिए। ना तो इसके पास और ना ही आपके पास सबूत का एक कतरा भी है। सबूत साफ भी किए जाते हैं सरपंच जी। किए जाते होंगे, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ मैंने कोई सबूत नहीं मिटाया, क्योंकि मैंने कोई कत्ल करवाया ही नहीं। पिछले साल विकास चौधरी की पत्नी सरिता चौधरी के खिलाफ आपको खड़ा किया गया, सरिता को हरवाने के लिए आपको जितवाया गया। तमीज से बात कीजिए, जितवाया गया क्या होता है? सरिता की तरह मैं किसी के हाथ की कठपुतली नहीं हूँ। मैं चुनाव में खड़ी हुई, चुनाव लड़ी और चुनाव जीती। और मुझसे ऐसे बेतुके सवाल करने से अच्छा है कि आप ज्ञानी चौधरी और उसका बेटे कुंदन चौधरी उनसे सच उगलवाइए। हो सकता है कि उन्होंने अपनी जाति दुश्मनी का बदला लिया हो। आप उन दोनों का नाम ले रहे हैं,
पूरा गांव जानता है कि ज्ञानी चौधरी और उसके बेटे कुंदन चौधरी ने आपको चुनाव में अपना समर्थन दिया था। समर्थन मुझे जगनपुर की जनता ने दिया था, जिन्होंने मुझे वोट दिया। राजनीति में लोग उम्मीदवार को नहीं, अपने स्वार्थ को समर्थन देते हैं। और वैसे भी ये विकास चौधरी से मेरी ऐसी कोई पर्सनल दुश्मनी तो थी नहीं। जिस सीट से मैं चुनाव लड़ी थी, उसी सीट से वो अपनी पत्नी को चुनाव लड़वा रहा था। अच्छा, एक बार मान लेते कि विकास चौधरी का स्टिंग ऑपरेशन मैंने करवाया, तो क्या अपने पास रखने के लिए मैं चुनाव में उसका इस्तेमाल कर सकती थी ना, और ज्यादा वोटों से जीत सकती थी? सिर्फ 13 वोट। एक साल हो गया चुनाव को, और अब एक साल बाद ये बातें बाहर निकाल कर कोई मुझे बेकार में इस कत्ल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। और माफ कीजिए, बड़ी चालाकी से आपको गलत रास्ते पर भटका रहा है, ताकि आप गोल गोल घूमते रहें और असली गुनहगार तक पहुंचे ही नहीं। सर, राजनीतिक हत्या लगती है, और इस राजनीतिक हत्या की चिता पर ना जाने कितने लोग अपने मतलब की रोटियां सेक रहे, और ज्ञानी और कुंदन सबसे आगे। पापा, मुझे डर लग रहा है कि आखिर में ये लोग हमें बली का बकरा बना के रहेंगे। बेटा, जब हमने कुछ किया ही नहीं है तो फिर हमें चिंता करने की क्या जरूरत है? तुम टेंशन मत लो। सारे बिसात के मोहरे हैं, शतरंज कोई और ही खेल रहा है, सबको प्रोटेक्शन दिया हुआ है। लेकिन सर, समझ में नहीं आ रहा है, जब किसी माहिर खिलाड़ी ने इतनी बारीकी से जाल बुना था, तो फिर विकास के मर्डर को फुल प्रूफ एक्सीडेंट का केस क्यों नहीं बनाया गया? क्यों उसके गले पे निशान छोड़ दिया गया जिससे आसानी से मर्डर का शक उभरे? इतनी बारीकी से प्लानिंग करने वाला गलती से निशान छोड़कर तो नहीं जाएगा। गले के ये निशान अपने आप में एक शातिर चाल थी। पहले ये समझना होगा कि आखिरकार खिलाड़ी खेल क्या खेल रहा है। हेलो, ये सब अभी क्यों हो रहा है? ये तस्वीरें और ये सब, और उसमें मेरा नाम घसीटे जाना, और तुम्हें लगता है मैं इन सब के पीछे हूँ? तुम नहीं तो और कौन? दीपिका, कड़े मुर्दे उखाड़ने में मैं भी खतरे में आऊंगी ना मनीषा। मैं क्या जानू, क्या पता तुमने अपने आप को सेफ कर लिया और मुझे सूली पर चढ़ा रही हो। नहीं मनीषा, कोई तीसरा ही है जो हम दोनों को दलदल में ढकेल रहा है ताकि उसकी नैया ना डूबे। एक बात याद रखो दीपिका, अगर मैं डूबी तो तुम भी डूबोगी, समझ रही हो ना? आ गया है, अजय कनौजिया और सागर भट्ट को सामने कर दिया जाए, उनकी बारी है बोलने की। अगर वाकई में सरिता के जरिए विकास की हार की जड़ ढूंढ रहे हो, तो लोक अधिकार दल की जिला अध्यक्षा दीपिका राय को खंगालिए, जिसने सरिता चौधरी का नाम सरपंच के चुनाव में प्रपोज किया था। आपका शुभचिंतक नरेश पचौरी, जगनपुर टाइम्स। अभी एडिटर हमें दाना डाल रहा है। दानों की तो बरसात हो रही है सर, अजय कनौजी और सागर भट्ट की लोकेशन भी गोद में आ गिरी। ऐसा लग रहा है सर, विकास चौधरी मर्डर केस में हम तहकीकात कर नहीं रहे, हमसे तहकीकात करवाई जा रही है। ये पूरा एक सेटअप है, सब कुछ एक सेटअप का हिस्सा है। क्या तुम एक अलग दृष्टिकोण से, अलग नजरिए से बता सकती हो कि इस सेटअप में कहां फंसे हम और कैसे और चूक कहां रहे हैं? क्या आप वाकई में इस केस की तह तक जाना चाहते हैं इंस्पेक्टर? विकास हमारी पार्टी का सदस्य नहीं था, लेकिन एक एक्टिव सपोर्टर था हमारी पार्टी का। सरिता पार्टी तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हारे साथ, हम विकास के गुनहगार को सजा दिलवा के रहेंगे, बचेगा नहीं वो, भरोसा रखो हम पर। हाँ, हम इस केस की तह तक पहुंचना चाहते थे, क्योंकि हम जानते थे कि जो है दरअसल वो नहीं है। यह केस इतनी आसानी से हल होने वाला नहीं था, खास करके तब जब इस केस के इर्द गिर्द इतने सारे पेचीदा जाल बिछे हुए थे।
हमें तहकीकात फ्लैशबैक में ले जाने वाली थी एक साल पहले, जब सरिता चौधरी मनीषा प्रजापति के सामने सरपंच का चुनाव हारी थी। ये केस दरअसल था महत्वाकांक्षा और बगावत का। तहकीकात को गुमराह करने प्लान ए बी सी के बाद भी कई छोटे मोटे प्लान्स थे। अब हम ऐसा प्लान बनाने वाले थे जो इन ए बी सी सभी प्लान्स को नाकाम कर दे। पर क्या इसके चलते इस केस का खूनी और खून का मकसद साफ साफ हमारे हाथ लगने वाला था? पता करते हैं कल रात इस केस के दूसरे और आखिरी एपिसोड में। क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।